हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, देवभूमि की इन हसीन वादियों में। और मेले के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, लगभग 4-5 दिन के बाद आज जा रहा हूँ मैं शादी में। आजकल ना हमारे पहाड़ों में शादियाँ हो रही हैं, तो मैं भी आज जा रहा हूँ शादी में दूर गांव, तो आपको भी लेके चलता हूँ एंड बताता हूँ कि पहाड़ी रीति रिवाज में शादियाँ कैसी होती हैं। वैसे मैं शादी के कई ब्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन एक और ब्लॉग हो जाए तो वीडियो। अभी ना दोस्तों, हम लोग पैठानी में हैं, पश्चिमी नयार आप देख सकते हैं मेरे पीछे आ रही है, और ये सामने है पैठानी का मंदिर ऊपर। और यहाँ पे देखिए परवीन भाई भी शादी में आ रहा है, और इस तरफ देखिए ये है दीपक रावत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है भीमशिला। कहा जाता है कि उस टाइम जब पांडव मतलब भीम इसको लाया था यहाँ पे, उसने रखा था, और उसके बाद मतलब सुबह हो गई थी, तो इसीलिए ये पत्थर यहाँ पे छूट गया था। उस तरफ से दूसरी नदी निकलती है, इस तरफ से ये, और यहाँ पे संगम है, मतलब आप मान सकते हैं कि एक प्रयाग है यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर में, अभी 1 बज रहे हैं, लगभग 3 बजे करीब हम जाएंगे ऊपर शादी में, तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं मरखुला से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से हमको लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर पैदल जाना है। और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ भी देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं, और पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। और अभी शाम का टाइम है, तो देखिए धूप भी इस तरफ, और यहाँ से देखिए ऊपर जाना है हमको, ऊपर यहाँ ऊपर। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपको कौन कौन से गांव दिखाता हूँ मैं। ये है बनास, ऊपर वो है सिरतोली, और इस तरफ बड़ेत है, और यहाँ ये है चाकीसैंण का मार्केट। और इधर देखिए जहाँ ये धूप लग रही है, यहाँ है मरखुला, और उस तरफ है जाख। तो ऐसे हैं यहाँ के कुछ गांव, दूर दूर हैं, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल मौसम है। यहाँ से देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है, सुंदर। तो दोस्तों नीचे से हमें संजू भैया मिल गए थे, वो गाड़ी से आ रहे थे पैठानी से, तो वो भी शादी में आ रहे थे। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है मौसी लोगों का घर, और ये देखिए ये है अपना मरखुला। तो दोस्तों जैसे तैसे हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर, अब पहुँचने वाले हैं घर में, तो ऐसा कुछ है। तो दोस्तों पहाड़ों में शादी से पहले मंडप की पूजा की जाती है, जहाँ पे दुल्हन के माँ पापा मतलब उनको बुलाया जाता है, और वहाँ पे पूजा की जाती है। कुछ ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, और मौसम देखिए यहाँ से। तो दोस्तों ये है पहाड़ों का सबसे खूबसूरत रिवाज, जिसमें बैठ के मतलब गांव के सारे लोग बैठ के, और सारे मेहमान लोगों को बैठ के खाना खिलाया जाता है, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा।
हंस गयूं अलजी गयूं हा 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 हंस गयूं।